बिस्लेरी। कभी ना कभी आपने भी पानी मांगने की जगह बोला ही होगा, भैया बिस्लेरी देना। इंडिया शायद दुनिया भर में इकलौता ऐसा देश है जहां लोग पानी का नाम लेने की जगह एक कंपनी का नाम ले लेते हैं। आइए देखते हैं ऐसा क्या किया बिस्लेरी ने जिस वजह से वो इस देश के हर बच्चे बुजुर्ग की जुबान पे है। बिस्लेरी का नाम उसके फाउंडर सिग्नोर फेलिस बिस्लेरी के नाम पर रखा गया है। फेलिस बिस्लेरी के जाने के बाद कंपनी उनके दोस्त डॉक्टर रॉसी ने संभाली। इस टाइम पर इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ ही था। डॉक्टर रॉसी को इंडिया में एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, क्योंकि उस समय यहाँ सेफ ड्रिंकिंग वाटर की बहुत कमी थी। उन्होंने अपने लॉयर खुशरू सुंतूक के साथ मिलकर थाने में अपना सबसे पहला वाटर प्लांट खोला। सबने रॉसी और सुंतूक को पागल समझा, क्योंकि उस समय इंडिया में पानी की कमी नहीं थी। रॉसी और सुंतूक ने यहाँ के वाटर क्वालिटी पर ध्यान दिया, क्योंकि यहाँ पे पानी तो था पर क्वालिटी बहुत खराब थी, जिससे लोगों पे बहुत इफेक्ट पड़ता था। पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज को तो आदत थी ऐसे पानी की, बट रिच फैमिलीज और टूरिस्ट को बहुत तकलीफ हुआ करती थी। यहाँ बिस्लेरी को अपना सबसे पहले कस्टमर्स मिले। शुरू में बिस्लेरी सिर्फ बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स में दिखती थी, और उसका कॉस्ट भी काफी ज्यादा था, क्योंकि वो अपने प्राइस के बदले में प्योरिटी और सैनिटेशन ऑफर कर रहे थे। बट रॉसी और सुंतूक को जल्द ही समझ आ गया कि वो अपनी सोसाइटी की सिर्फ एक छोटी सी इकाई को अपना कस्टमर बनाकर बिस्लेरी की ग्रोथ नहीं करवा पाएंगे। उन्होंने धीरे धीरे मिडिल क्लास के लिए वाटर बॉटल्स बनानी शुरू करी। बात है 1969 की। चौहान ब्रदर्स पार्ले के फाउंडर्स ने बिस्लेरी को सिर्फ 4 लाख रुपए में खरीद लिया। इसके बाद बिस्लेरी की ग्रोथ चौहान ब्रदर्स के साथ बहुत तेजी से हुई। पार्ले ने बिस्लेरी के ब्रांड के नाम से फिजी और नॉन फिजी सोडा इंट्रोड्यूस किया। उस टाइम पे बिस्लेरी का फॉरेन नेम उसको सबसे अलग बनाता था। वो एक क्लासी प्रोडक्ट जैसा लगता था। बिस्लेरी ने इसका फायदा उठाया और अपना सबसे पहला स्लोगन दिया, बिस्लेरी इज वेरी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इस कैंपेन स्लोगन की मार्केटिंग की वजह से बिस्लेरी का पहले से ही पॉपुलर नेम और मशहूर हो गया। बिस्लेरी को अपनी वाटर की क्लैरिटी और प्योरिटी पे इतना भरोसा था कि उन्होंने पीवीसी प्लास्टिक को रिटायर करके अपनी बॉटल्स पेट की बनानी शुरू कर दी। पेट प्लास्टिक की क्लैरिटी ज्यादा होती है, जिससे लोगों को बिस्लेरी वाटर की प्योरिटी का अंदाजा एक ही नजर में हो जाता था। कुछ टाइम बाद उन्होंने अपनी ये फिजी ड्रिंक्स की राइट्स कोका कोला को बेच दी। बिस्लेरी सोडा बननी बंद हो गई। इससे पार्ले का फोकस बिस्लेरी की बॉटल्ड वाटर पर पड़ गया। 1995 में बिस्लेरी ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया। उन्होंने आखिर एक ऐसा प्रोडक्ट निकाला जो आम आदमी खरीद पाता। उन्होंने 500 ml की पोर्टेबल वाटर बॉटल इंट्रोड्यूस की, जिसकी कॉस्ट सिर्फ 5 रुपए थी। इस कदम से बिस्लेरी की डिमांड को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला, जिससे बॉटल्स बनाने की कीमत बहुत कम हो गई। इससे पहले बिस्लेरी 1 लीटर से नीचे की बॉटल्स नहीं बनाते थे। लोग इन बॉटल्स को खरीदने में हिचकिचाते थे, क्योंकि इनमें पानी अक्सर बच जाया करता था। इस एक प्रोडक्ट की वजह से बिस्लेरी की ग्रोथ 4 गुना हो गई। जी हाँ, 4 गुना। इसके बाद उन्होंने बल्क कैटेगरी की तरफ अपनी नजर डाली। उन्होंने 12 लीटर और 20 लीटर की बॉटल्स बनानी शुरू करी। ये लॉन्ग टर्म और कमर्शियल यूज के लिए परफेक्ट थी। इन बॉटल्स की कॉस्ट 3 रुपए पर लीटर थी, जो कि पहले से 4 गुना कम थी। बिस्लेरी वाटर मैन्युफैक्चरर होने के बावजूद आग लगा रहा था इंडस्ट्री में। उनका नेक्स्ट मार्केटिंग प्रोजेक्ट थोड़ा हटके था। उन्होंने नोटिस किया कि शादियों में बुजुर्ग लोग आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स के स्टॉल से दूर जाकर बैठते थे। बिस्लेरी ने इन दूर की टेबल्स पर फ्री बॉटल सैंपल्स बांटने शुरू किए। अब इसे मार्केटिंग समझो या नेकी, पर बिस्लेरी 25 साल बाद आज भी बुजुर्गों को अपने साफ और हाइजीनिक पानी के फ्री सैंपल्स देता है। 2006 में बिस्लेरी ने अपने लोगो का कलर ब्लू से आइकॉनिक ग्रीन किया, ताकि सबको इस कंपनी के इको फ्रेंडली गोल्स के बारे में पता चले। आज बिस्लेरी 15 करोड़ बॉटल्स हर महीने बेचती है, और 2021 में इनका रेवेन्यू 1500 करोड़ का था। एक बार संक्षेप में देख लेते हैं कि बिस्लेरी ने ऐसा क्या नायाब किया जो 4 लाख से सीधा 1500 करोड़ वैल्यू की कंपनी बन गई। फोकस ऑन क्वालिटी। बिस्लेरी ने शुरू से अपनी पहचान को साफ, सुरक्षित और सैनिटाइज्ड वाटर के साथ जोड़ा था। बिस्लेरी ने इस भरोसे को आज तक कायम रखा है। बिस्लेरी अपने बॉटल्स पे एंटी टैम्पर सील्स तो लगाते ही हैं, साथ में उनका पानी 114 क्वालिटी टेस्ट से गुजर कर हम तक आता है। एड्रेसेस ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। बिस्लेरी शुरुआत में सिर्फ अमीर लोगों की कंपनी थी, जो महंगे रेस्टोरेंट में टाइम बिताया करती थी, पर आज वो एक अफोर्डेबल वाटर ब्रांड के रूप में दिखाई देता है।
आज बिस्लेरी पर्सनल से लेकर कमर्शियल यूज तक की वाटर बॉटल सप्लाई करता है। इफेक्टिव मार्केटिंग। बिस्लेरी ने शुरू से बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट मार्केटिंग पे फोकस किया था। उनके कैची स्लोगन्स जैसे बिस्लेरी इज वेरी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको आम आदमी के दिल में एक खास जगह देते हैं। आज मार्केट में बिस्लेरी के नाम से फायदा उठाने वाले खूब कॉपीकैट्स हैं। वो लोगों में छोटे छोटे चेंजेस करके कंज्यूमर्स की आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। इन कॉपीकैट से बचने के लिए बिस्लेरी ने अपना करंट स्लोगन निकाला, हर पानी की बॉटल बिस्लेरी नहीं, जिसके दो मतलब हैं। पहला, बिस्लेरी के कस्टमर्स को पता होना चाहिए इन नकली कंपनीज के बारे में, और दूसरा, कस्टमर्स को भरोसा दिलाने के लिए कि किसी और कंपनी का बिस्लेरी जितना शुद्ध पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।